आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपने आसपास के स्थानों का प्रतिचित्रण करना सीखा। आज हम प्रतिचित्रण पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। मानचित्र एक स्थान या जगह की भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है। यह आरेखीय निरूपण महत्वपूर्ण जानकारी को संजोए रहता है, जिससे प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद मिलती है। पिछले वीडियो में हमने मानचित्र को स्पष्टता से बनाना और समझना सीखा। आइए मानचित्र को देखकर कुछ सवालों के उत्तर खोजते हैं। खेलते खेलते रिया और अरुण को एक मानचित्र मिला। वह मानचित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके मन में कई सवाल उठे, आइए उनके जवाब खोजें। यह मानचित्र क्या दर्शा रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए। क, सड़क पर चलते लोग। ख, घर का प्रबंधन। ग, पार्क से घर तक का रास्ता। शाबाश, यह मानचित्र पार्क से किसी के घर तक का रास्ता दिखा रहा है। क्या आप बता सकते हैं रास्ते में कौन सी इमारत बनी है? क, अस्पताल। ख, स्कूल। ग, चिड़ियाघर। बिल्कुल सही, रास्ते में अस्पताल बना है। तो बताइए दिए गए मानचित्र का पैमाना क्या है? क, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ख, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ग, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मानचित्र का पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। पार्क से घर कितना दूर है? क, 7.8 किलोमीटर। ख, 4.5 किलोमीटर। ग, 2.4 किलोमीटर। पार्क से घर 2.4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा घर का पता क्या हो सकता है? क, प्लॉट नंबर 4 पाली रोड। ख, प्लॉट नंबर 12 सुंदर नगर। ग, फ्लैट नंबर 8 कमला नगर। प्लॉट नंबर 4 पाली रोड मेरे घर का पता है। आप भी अपनी पसंद के दो स्थानों के बीच का रास्ता आरेखित करने का प्रयास कीजिए। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग कर अनुपातिक दूरी को चित्रित कीजिए। इस मानचित्र से जुड़े प्रश्न मित्रों से पूछिए। देखा बच्चों, एक मानचित्र अपने अंदर कितनी जानकारियां संजोए रहता है। आशा करती हूँ आप मानचित्रों को पढ़कर जानकारियां निकालने में सक्षम हो गए होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।